राम राम भाई, सारे भाइयों ने गुरु जी नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते, कैसे हो? बहुत ही बढ़िया भाई। आज अनिल सर जुड़ गए हैं भाई, और अनिल सर जो कि 10-11 साल तक पढ़ाई करवा रहे हैं भाई, और पहले भी मुलाकात हुई, बहुत ही ट्रस्टेबल टीचर हैं। तो आज बात करें भाई हरियाणा के बारे में, जो चल रहा है माहौल एचएससी के बारे में, भाई ग्रुप डी के बारे में। तो गुरु जी, और जी कैसे हो जी? बढ़िया जी, बढ़िया। आप सुनाओ। बहुत ही बढ़िया जी। मुझे भी अच्छा लगा है, सुबह सुबह आपसे मुलाकात हो गई आज, हाँ तो जी। काफी अच्छा लगा तो आपसे भाई, मिलकर। मैं आज शादी में आ जाता, गुरु जी भी उड़ा मिल गए मैंने। अरे तो फेरिया वाल का के बीच में खाली वीडियो भी आ जा काम की। तो जी, आप जिस प्लेटफॉर्म पर सर, आपने काफी अच्छा काम किया, काफी क्राउड जुड़ जाता आप तो भी, तो ये स्पेशल आपने सुना, नया चैनल बना दिया। देखो, पहले जो काम किया वो अच्छा काम था, बच्चों ने इतना साथ दिया, हद से ज़्यादा साथ दिया, और उसी साथ की वजह से कुछ ऐसी कंडीशन आई कि भाई मुझे अपने नए प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा। तो यहाँ पे भी जो आप लोगों ने देखा ही होगा, जो साथ मिला मुझे बहुत ही अच्छा साथ मिला। बच्चे बहुत अच्छे पढ़ते भी हैं, बहुत अच्छी मेहनत भी है इनकी। चलो जी, हाँ, किस नाम से है सर अपना चैनल? चैनल का नाम है ACA अकेडमी, एप्लीकेशन भी और चैनल भी दोनों इसी नाम से। चलो भाई, डिस्क्रिप्शन में सर का चैनल दे देंगे, सर के बारे में देखियो, वीडियो देखियो सर की। तो सर, उसके बाद अच्छा सी डी ग्रुप का चल रहा है जी मामला। डी ग्रुप की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे सर, जो अगर आपने 10-11 साल तक पढ़ा ला रहे हो, तो इसके बारे में आपका क्या अनुमान है जी? देखिए भाई, बात ऐसी है, डी की जो कट ऑफ है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, 95 और 100, यानी कि 95 100 का मतलब कंफ्यूजन चला हुआ बच्चों हाँ जी, का। तो HSSC तो चाहता है कि 100 में से हम सीधी ज्वाइनिंग दे दें, बट हाई कोर्ट है, तो या वैसे एक जेन्युइन वे देखा जाए तो 95 में से कट ऑफ आपकी आनी चाहिए। 95 में से यदि आएगी तो इसका मतलब बच्चों का डी भी आएगा, और डी भी आ गया तो उसके बाद उनको 5-5 अंक दिए जाएंगे। तो चांस इतने हैं कि 95 में से कट ऑफ आएगी। ये यही सही रहेगा जी। आप 95 का सही है, क्योंकि जब 95 में से निकालोगे तो उसके बाद है कि जिसको 5 देने हैं उनके हाँ डॉक्यूमेंट चेक कीजिए, कागज चेक बिल्कुल कीजिए, जो योग्य है उसको दे दो, जो योग्य नहीं है उसको ना दो। ये ये सर सही सेम है, भी सेम प्रोसेस है जी। सब में सेम होता है, हाँ डॉक्यूमेंट हमेशा होता है, बट डी भी होगा उसके बाद ही ज्वाइनिंग होती है। इन्होंने क्या किया हुआ है, जो HSSC ने किया हुआ है कि पहले हम 100 में से ज्वाइनिंग देंगे, डॉक्यूमेंट बाद में चेक होंगे, मान लिया बाद में गलत मिले किसी हाँ को तो तो उसको जॉब से निकालो, गंदा लगेगा वो भी, है हाँ, ना। इसका मतलब पहले ही कागज चेक ये कीजिए। बहुत बड़ा वो है जी, जो चीज़ हाँ है काफ़ी कंफ्यूजन वाली है, या हाँ चीज़ हाँ पहले हाँ होनी पहले चाहिए। होना चाहिए। तो सर, यह बात तो होगी, ग्रुप डी का रिजल्ट कब दिया होगा जी आपने मेरा वो? देखिए, इसके जो चांस है, वैसे CM साहब ने कल परसों बोल दिया कि 1 वीक में निकाल देंगे, पॉसिबल तो नहीं है। इसके बाद अपने जो चेयरमैन है भोपाल जी, उसने कहा भाई NTA को टाइम लगेगा अभी की बनाने में, बाकी इतना टाइम नहीं लगता है, हो सकता है 1 से 10 के बीच में आपका आ जाए फाइनल है, 10 से पहले पहले आने के फुल चांसेस 10 तारीख तक आ लेगा जी? हैं, चांस फुल है, ठीक बाकी है। कोई मामला है तो देखेंगे। तो जी, जब कट ऑफ है जी, कितनी रहेगी जी डी ग्रुप की? देखिए, वैसे कट ऑफ डिपेंड होता है कि वैकेंसी कितनी है। अब इन्होंने क्या किया, टोटल वैकेंसी तो बता दी, इतनी वैकेंसी है, लेकिन किस पोस्ट? कैटेगरी वाइज नहीं बताई, वो BC कितनी है, ST कितनी अच्छा है, अच्छा ST कितनी है, PH कितनी है, स्पोर्ट्स कोटे कितनी है, ESM DSM हाँ कितनी हाँ है, कुछ नहीं जो बताया। टोटल वैकेंसी है, अब किसी कम ज्यादा भी उसका उसका डिपार्टमेंट में ST की हमें बहुत कम नीड हो, क्या पता कम आ जाए, BC की ज्यादा हो तो BC ज्यादा आ जाए। लेकिन वैसे एक आइडिया यही है, यदि 95 में से निकालते हैं तो 95 में से ये मान के चलो आप कि जो जनरल का बच्चा है, यदि उसके 65-66 क्वेश्चन सही है तो वो इन है, मतलब वो आ सकता है। BC का जैसे बच्चा है, यदि वो 65 से कम, मतलब 60 से 65 के बीच में है, उसके क्वेश्चन सही है, तो वो भी आपका इन हो सकता है। ST का भी 60 के आसपास क्वेश्चन का बिल्कुल हो सकता है। मतलब तीनों कैटेगरी लेकिन 60 से ऊपर पिचानवे है। में से बताई मैंने, अच्छा, 95 में से जब 3 गुना बच्चे बुलाएंगे, डीवी तीन के गुना लिए डीवी के लिए, जो प्रोसेस नॉर्मली होती है उस प्रोसेस के उसके लिए, हिसाब से हाँ है। उसके लिए बुलाएंगे, और 3 गुना से फालतू बुलाएंगे तो तो ये जी बेटर इस, होगा। हाँ, इसकी हाँ, संभावना कितनी है जी 95 में तो बुलाऊंगी, इसकी संभावना है? इसकी संभावना 90% है, क्योंकि कोर्ट भी यही चाहता है, 5 अंक आप तभी दो जब आपके पास उनका सबूत हो। लेकिन बिल्कुल है HSSC कहता है कि इनकी जांच पड़ताल हो चुकी है, मतलब हमने बच्चों की DV चेक हो गई है, तो उसके बेस पे हम इनका 100 में से निकालेंगे। बट इन्होंने एक लाइन बोली है, ये जो 5 अंक देंगे वो देंगे फैमिली आईडी के हिसाब से। अब वो सिस्टम गलत है, फैमिली आईडी के हिसाब से अंक नहीं मिलते हैं बहुत से बच्चों की। आप अपनी फैमिली आईडी देख लो, आपने बनवाई है फैमिली आईडी अपनी, हाँ जी, है तो आप उसमें अपनी इनकम देख लेना कि आप तो आपके पास कुछ पैसा ना हो, इनकम 3 लाख दिखा दें, तो फैमिली आईडी एक बेस नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें किसी का बिल गलत है, किसी का नाम गलत है, किसी की इनकम गलत है, किसी की जॉब दिखा दी, किसी की नहीं दिखा दी, तो इनकम का सबसे मेन है फैमिली आईडी नहीं हो सकता। बट ये फैमिली आईडी इन्होंने चेक किया, मैं तो गलत मानूंगा, बाकी आप बच्चे जो बताना चाहो भाई हाँ आप बता भाई, सको, कमेंट आप में अपने कमेंट में बताइए। बता देना कि फैमिली आईडी बेस मानना इनकम के लिए क्या सही है या गलत है। चलो जी, लो भाई सर, ने अपनी जानकारी शेयर करी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, थैंक यू बहुत सो ही मच। अच्छा लगा जी आप तो मिल गए, और थैंक बच्चों के लिए उपयोगी बात है ये। यू। तो भाई सर, तो उस प्लेटफॉर्म पर मिल गया सर ना, उड़े भी अपना 100% दे रखा था, और ये तो बिल्कुल पर्सनल आ गए हैं भाई, तो और ज़्यादा खर्च लगाऊंगे बड़का ताई। और हरियाणा में भी भाई ये चीज़ सुनने ना मिल रहा है कि ये टीचर अच्छे नहीं है, टीचर के बारे में जो भी बात कर रहे हैं, तो एक जेन्युइन टीचर भाई हरियाणा में भी आ गए हैं, कुल कशा में आ जाएंगे। और भाई सर की वाइफ भी खुद हरियाणा में सेलेक्टेड है, तो सर काफ़ी अच्छी तरीके से सिचुएशन है, परिचित है। चलो जी, देखिए, मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा बच्चों को, यदि बच्चे साथ देंगे ना, जो अपनी एप्लीकेशन है ECA, उस पर मॉक टेस्ट है, कोई पैसा नहीं है, कोई मॉक पैसा टेस्ट नहीं, मॉक टेस्ट है सबके, फ्री? SSC के, HSC के, दिल्ली पुलिस सबके हैं, UP पुलिस के भी हैं, चलो भाई, चाहे क्या की तैयारी करते हो, सबके ऐसे हैं, सीडीडी का जी? उसके भी हैं, कम से कम बीस हाँ पच्चीस मॉक हम वैसे देंगे, कोई पैसा नहीं है एप्लीकेशन पे, कोई भाई, पैसा नहीं। एप्लीकेशन डाउनलोड करके और अपना मॉक लगाओ, और फीडबैक लो, अपनी परफॉर्मेंस सुधारो। बस मैं तो ये कहूंगा कि आप लोगों का सभी का साथ चाहिए भाई, यदि आप साथ दोगे, एक अच्छी एजुकेशन, जो एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होती है, जो कंटेंट में दम होता है, वो देने की कोशिश होगी, और 24 घंटे आपके साथ खड़ा हूँ, हाँ जहाँ पे भाई, कहोगे वहाँ पे खड़ा हूँ। और मैं तो ये बोलूंगा भी सभी टीचर्स अच्छे हैं, आपको जिनका कंटेंट आपको समझ में आए आप उसी को हाँ फॉलो कीजिए। बिल्कुल। और भाई, मेरा हाँ भी कहने का मन है कि एक बार सरकार जाकर जरूर कंटेंट देखो, उसके बाद थारी कॉल भाई, हाँ हाँ कोई दिक्कत बिल्कुल कोई नहीं। हाँ जबरदस्ती नहीं। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, ओके सर, और थैंक गुरु जी यू। ने भाई बढ़िया एजुकेशन का माहौल बना रखा है, देख लो भाई, अब्दुल कलाम हर एक स्टूडेंट की इंस्पिरेशन है, और सब मोह माया गुरु जी हैं, मोह माया तो बच गया ये मोह था। माया इसलिए लगाई है कि जैसे पढ़ते पढ़ते कभी माइंड में आ गया, पहले ऐसे काम किया, वैसे काम किया, तो मैं अपने मन को समझाता हूँ कि सब मोह माया है मोह माया, ना, तो चलो जी पढ़ाना ही धन्यवाद सब कुछ अब। सर। ठीक।